पानीपत में कूड़ा उठान करने वाली कंपनियां पिछले 4 दिन से नगर निगम द्वारा 25 सेक्टर दशहरा ग्राउंड के समीप बने डंपिंग पॉइंट के बाहर आसपास कूड़ा फेंक रही है। 5 तारीख को दशहरे का पर्व है। कूड़े की स्मेल से परेशान सनोली रोड दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा ने इस बारे में मेयर अवनीत कौर से बात की। रात को मेयर स्वयं दशहरा ग्राउंड पहुंची और डंपिंग पॉइंट के बाहर पड़े कूड़े के निस्तारण के लिए क्रेन लगवाई व कूड़े की वजह से फैल रही बदबू को समाप्त करने के लिए केमिकल छिड़काव के निर्देश दिए हैं। देखो जी, जैसे आपको सबको पता है कि परसों दशहरा है जिमखाना क्लब के सामने सेक्टर 25 में, तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनियां यहां कूड़ा डाल रही हैं। जो इनका पॉइंट बना हुआ 4 दीवारी के अंदर, उसके अलावा कूड़ा बाहर डाला जा रहा है। 4 दिन से लगातार हम इनके संपर्क में हैं, अब जाके ये शायद जागे हैं। हमारे बीच में मैडम अवनीत कौर भी आए हुए, इनसे प्रार्थना की है। अब इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि रात को जो ये बाहर कूड़ा पड़ा है उठ जाएगा और जो ये स्मेल है ये भी ख़त्म हो जाएगी केमिकल डाल के। देखते हैं सुबह तक क्या होता है। तो मेयर के पहुंचने के बाद ही आपको आश्वासन मिला, कारण क्या है कि आप इससे पहले आपकी सुनाई जरूर कारण क्या है? सुनवाई इनकी होती है नहीं, खुद ही बता रहे हैं जी। देखो जी, हमारी सुनवाई तो यहीं तक है, सीधी सी बात है। हाँ, गेस्ट भी यही हैं हमारे सारे प्रशासन के, उन्होंने बैठना है। उनको जब स्मेल आएगी वो तो खुद ही एक्शन लेंगे, सीधी सी बात है। तो हमारी तो फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे पे रैम करें, ये कूड़ा उठवाएं, स्मेल ख़त्म करें, बस। जो अभी आपको रमेश माटा जी ने बताया, एक दो कल से मेरी बात चल रही है रमेश माटा जी से। मैं परसों बाहर थी, कल ही यहाँ पर आई हूँ, तो मेरी कल से बात चल रही है माटा जी से। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी कूड़े की प्रॉब्लम है, तो मैंने निगम के जो हमारे जो क्लीनर्स जो देखते हैं CSI वगैरह सबको मैंने बोला, तो एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे थे कि वो कंपनी करेगी। तो इसका हल जो है वो मौके पे आके ही हो सकता था, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर मौके पे पहुँचे। समाज के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ में हमारे जो ASI हैं गुरमीत नेहरा जी, उनको भी बुलाया और JBM वालों को भी हमने यहाँ पर बुलाया, और इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कल सुबह तक ये सारा जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये सब जो है इसको उठवा के इसके ऊपर केमिकल का छिड़काव करा देंगे, ताकि पब्लिक को जिन्होंने यहाँ पर आना है, भक्तों को जिन्होंने यहाँ पे आना है, उनको स्मेल ना आए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, हम भी समाज के लोग हैं और पूरे समाज का प्रोग्राम है, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी काम हो बहुत अच्छे तरीके से हो और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो अभी कौन कौन सी कंपनी आई, कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे? हमारे ASI हैं गुरमीत नेहरा जी, जैसे कि CSI की अभी पीछे ट्रांसफ़र हुई है, तो गुरमीत नेहरा जी है वो देख रहे हैं, और साथ में जो JBM से हैं वो आए हैं अजीत तिवारी जी। इन तो अभी ये मिलकर अभी ये यहाँ पर ड्यूटी किसी को यहाँ पर लगानी पड़ेगी, परमानेंट रात तक किसी एक बंदे की ड्यूटी लगाओ और ये जो है सारा कूड़ा यहाँ से जी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये डंपिंग पॉइंट जो क्रिएट हुआ हुआ है, तो पीछे बारिश आने की वजह से जो बाउंड्रीज हुई हुई हैं उसके अंदर जो है डंप नहीं हो पाया कूड़ा, क्योंकि वो काफ़ी बारिश होने की वजह से काफ़ी वहाँ पर गाड़ियाँ फंस रही थी, तो वो धस रही थी गाड़ियाँ उसके अंदर, तो इन लोगों ने डंप करना यहाँ पे शुरू कर दिया। अब अपना प्रोग्राम आ गया है यहाँ पे, तो काफ़ी स्मेल आ रही है। तो इसको जो है मैं यही कहना चाहूँगी अपने नगर निगम की टीम के माध्यम से सभी समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि उनको दशहरे वाले दिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बिल्कुल भी स्मेल जो है वो नहीं आएगी, मैं आश्वासन देती हूँ।